बहादुरगढ़ से इनेलो बसपा की साझी उम्मीदवार शीला नफे सिंह राठी का प्रचार अभियान जोरों पर है। गांव में राठी सबसे आगे निकलती नजर आ रही हैं। बालौर गांव में तो उनका स्वागत फूलों की बारिश के साथ किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीण शीला राठी और उनके बेटे जितेंद्र राठी को गांव की चौपाल तक लेकर आए। इस दौरान राठी के स्वागत में गांव की महिलाओं ने मंगल गीत भी गाया। लोगों से मिले सपार समर्थन से अभिभूत शीला राठी का कहना है कि उन्हें हल्के के लोगों से खूब स्नेह मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक बनने के साथ ही वो गांव में महिलाओं के लिए अलग से नई चौपाल का निर्माण करवाएंगी। हल्के का विकास सबसे पहले तो जैसे स्कूल कॉलेजों की सुविधा की जाएगी, क्योंकि हमारे गांव की बेटियां जो पढ़ने जाती हैं बाहर जाती हैं, उसके लिए स्कूल और कॉलेज का सारा सरकार से लड़ाई लड़के इंतजाम किया जाएगा। उसके बाद जैसे रोड है, इंडस्ट्री एरिया है, कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है, उसका समाधान किया जाएगा। और गांव गांव में जो चौपाल हैं, एक मेरी माता और बहनों की एक डिमांड है कि गांव में जैसे जेंट्सों के लिए चौपाल है, महिलाओं के लिए कोई चौपाल नहीं है, कोई भी सिलाई सेंटर नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि गांव गांव में महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर भी खुलवाया जाए और चौपाल भी बनाई जाए। अगर सरकार एक तरफ से नाकानी करती है तो हम अपने हर एक गांव में 11-11 लाख रुपए का योगदान देकर और उस काम को सर चढ़ाने का काम भी करेंगे। वहीं शीला राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने इस मौके पर युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र है जहां हजारों उद्योग हैं। उन उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने में प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, बहादुरगढ़ हल्के में यूथ बड़ी मिसडायरेक्टेड है। उनको ना तो प्रॉपर एजुकेशन मिलती है और ना प्रॉपर जॉब के लिए उनके पास ऑप्शन है। हमारे जितनी फैसिलिटीज है, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, फुटवेयर पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, HSIL है, सुमानी है, सूर्या है, पार्ले है, इनमें हमारे बच्चे को नौकरी देने से पहले वो यहाँ का एड्रेस प्रूफ चेक करते हैं। तो देखिए, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। एक हमारे यहाँ पे सरकारी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं है, उसका भी हम प्रयास करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज बनाए। और एक भी सरकारी अस्पताल का इन्होंने नींव रखी थी 100 बेड के अस्पताल की, मुझे नहीं पता वो 10 साल में भाजपा सरकार में क्यों नहीं बन पाया, उसका भी हम निर्माण करवा के उसको जनता के सुपुर्द करेंगे। और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जैसे ITIs वगैरह डेवलप करवाना हो गया, गांव के सड़कों का निर्माण करवाना हो गया, जिससे कि अपना बेसिक जो हमारी डेवलपमेंट है वो भी। बता दें कि शीला राठी को अपने दिवंगत पति स्वर्गीय नफे सिंह राठी द्वारा बहादुरगढ़ हल्के में पूर्व में कराए गए विकास कार्यों का फायदा तो मिल ही रहा है, साथ ही इनेलो और बसपा की मजबूत संगठन का भी लाभ मिल रहा है। इन सब ने शीला राठी की स्थिति गांव में काफी मजबूत की है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।